Hi everyone, welcome to my channel. Myself Mrinalini Mahato, MC with UGC NET exam qualified. In this video, I will share with you UGC NET exam DBMS previous year question. Let's begin. This is the question number 3. Let M and N be two entities in an ER diagram with simple single value attributes. R1 and R2 are two relationships between M and N, whereas R1 is one to many and R2 is many to many. The minimum number of tables required to represent M, N, R1 and R2 in the relational model are what? Option number A, 3, option number B, 4, option number C, 6, and option number D is 7. This question has asked in January 2017. So let's see the explanation part. M and N be two entities. So M and N, two entities, and M and N, we are represent the diagram in the entity is rectangle box. So M and N, ye two entity ho gaya. Theek hai? अब क्या बोलता है, सिंपल सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट. सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट दैट मींस आपका एक एक ही उसमें एट्रीब्यूट होगा, एक की जो उसमें होती है, जस्ट लाइक अ की एट्रीब्यूट. दिस इज कॉल्ड द सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट. अनदर भी आप ले सकते हो, जस्ट लाइक योर आधार कार्ड नंबर, योर रोल नंबर, दीज आर द वन. एंड क्या हो जाएगा आपका कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ये सारे एट्रीब्यूट यहाँ पे नहीं इंक्लूड किए जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इन द क्वेश्चंस हैज मेंशन सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट. सो हम लोग लेंगे बहुत सारे एट्रीब्यूट बट सिंगल वैल्यू ही हमको लेना है. देन नाउ सी, R1 एंड R2 आर टू रिलेशनशिप. तो टू रिलेशनशिप दैट मीन्स दो डायग्राम बनाइए रिलेशनशिप का. R1 एंड R2, टू रिलेशनशिप आर देयर. R1 रिप्रेजेंट वन टू मेनी, वन टू मेनी, this is one to many हो गया. next क्या बोलता है, R2 represent many to many, many to many आप ऐसे इसको represent कर दीजिए, many to many, many to many हो गया representation. see आप इस diagram को देख के आप बता सकते हो this is binary relationship or ternary relationship, बताइए. and I have already explained in the question number 1 ER model with the description, किसका क्या मीनिंग है और कौन से डायग्राम को हम लोग बाइनरी बोलते हैं या टर्नरी रिलेशनशिप बोलते हैं. सी, दिस डायग्राम इज द टर्नरी रिलेशनशिप. व्हाई? बिकॉज़ रिलेशनशिप हैज गिवन इन द मोर देन टू रिलेशनशिप. अगर ओनली वन रिलेशनशिप होता तो क्या होता, मेरा बाइनरी रिलेशनशिप. अब टू रिलेशनशिप है तो क्या हो गया, ये मेरा टर्नरी रिलेशनशिप. मोर देन वन रिलेशनशिप आर देयर इन द ER model, सो देन this type of diagram is called ternary relationship. ternary relationship हो गया, तो ternary relationship होने की वजह से हम लोग ऐसे भी जब minimum number of tables का requirement जब होती है तो हम लोग क्या करते हैं, जो entity है many side वाले जो entity है उधर ही में हम लोग क्या करते हैं, relationship को include कर देते हैं वहाँ पे, क्योंकि हमको minimum number of tables create करना, और minimum number of tables ही हमको ऐसे भी database में create किया जाता है और उसको रखा जाता है as a storage में, ताकि हमको जितना हो सके उसको मिनिमम स्टोरेज उसको बचा के हमको रखना है. स्टोरेज जितना कम हो उतना अच्छा है. आपको बहुत ज़्यादा आप डेटा को ख़त्म कर दीजिएगा तो फिर आप ही के लिए डिफिकल्टीज हो, फिर आप दूसरा डेटा उसमें आप ऐड करके नहीं रख सकते. इसी वजह से हम लोग को मिनिमम पे ही काम करना पड़ता है. तो यहाँ पे क्या करेंगे, R1 जो रिलेशनशिप है उसको इंक्लूड किधर करेंगे, N के साइड में इंक्लूड करेंगे क्योंकि मेनी साइड यही है. तो R1 एंड N एक मेरा टेबल बन गया, M एक टेबल बन गया क्योंकि यहाँ पे हम दो एंटिटीज को लेकर के ही पहले तो हम लोग, तो ये वाला मेरा पार्ट फिनिश्ड हो गया. तो जब ये पार्ट फिनिश्ड हो गया तो मेरे पास बचा क्या, R2. तो R2 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा टेबल क्रिएट करना पड़ेगा. तो R2 का जो टेबल होगा, M तो एक सिंपल एंटिटी है तो यहाँ पे क्या है, इसका खुद का अपना एंटिटी है, खुद का अपना की एट्रीब्यूट है, तो चलो इसका टेबल. और इतना दिमाग में रखे, जब हम लोग कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं उसमें क्या है, हमको एक जो एट्रीब्यूट होते हैं, की एट्रीब्यूट चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी की.
प्राइमरी की बोलते हैं, जिसके थ्रू से उस टेबल को हम लोग पहचानते हैं, उसकी वजह से हम लोग क्वेरी लिखते हैं। तो यही वजह है कि की एट्रीब्यूट होना चाहिए यहाँ पे। तो एम पे तो की एट्रीब्यूट है, R1N पे N पे है, तो चलो ये भी हो गया की एट्रीब्यूट यहाँ भी। लेकिन R2 के लिए हम लोग की एट्रीब्यूट कहाँ से लाएं? तो हम लोग क्या करेंगे, M का जो की एट्रीब्यूट है और N का जो की एट्रीब्यूट है, इन दोनों को इंक्लूड करके एक की एट्रीब्यूट क्रिएट करेंगे, उसको बनाएंगे, तो ये यूनिक की हो जाएगा, तो ये R2 का की एट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स 3 होगा। और ऐसे भी कोई भी डायग्राम में जब बोलता है मैक्सिम, यहाँ पे दो ही टाइप के क्वेश्चन हो, या तो मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स अदरवाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल्स। मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स दैट मीन्स क्या करेंगे, जो आपका मेनी साइड है उधर ही रिलेशनशिप को ऐड कर देंगे मेनी साइड का एंटिटी के साथ में, और दूसरे वाले को अलग करेंगे। और जब मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल्स बोलेगा तब हम लोग क्या करेंगे कि जितना रिलेशनशिप है सबके अलग अलग टेबल क्रिएट कीजिए, और जितना एंटिटी है उसका भी अलग अलग टेबल आप क्रिएट कीजिए, तो उसमें ज्यादा हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट, ऐसे तो मैंने आप लोग को बता ही दिया। तो इसके हिसाब से हम लोग का करेक्ट आंसर क्या होगा, R1N, M एंड R2। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, दिस इज दी 3। मिनिमम नंबर ऑफ टेबल इज 3 एंड टेबल नेम इज R1N, M एंड देन R2। ये हो गया हम लोग का टेबल का नेम। तो चलिए यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा से डायग्राम में बताया है, M एंड N 2 एंटिटीज आ दिया, सेम ही चीज मैंने एक्सप्लेन की है, बस टेबल का नेम भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए जब मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल्स होगा तो 4 होगा, एंड टेबल नेम इज M, R1, R2 एंड N। मिनिमम नंबर ऑफ टेबल जब होगा तो M होगा टेबल का नेम, R1, N एंड R2। तो मिनिमम नंबर ऑफ टेबल इज 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल इज 4, बट दिस क्वेश्चन आस्क्स मिनिमम नंबर ऑफ टेबल, सो आर करेक्ट आंसर इज 3। आप लोग देख लिए कि कैसे मैंने डायग्राम को बनाया है सब कुछ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप गाइस आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं आप लोग के लिए 1 by 1 क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ, ताकि आप लोग को जिसमें डाउट हो आप उसी क्वेश्चन को देखें, आपका भी वेस्ट नहीं हो टाइम उसी के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।